लोडर लगा फ्रंटल लोडर लोडिंग के लिए। अब इसमें क्या है, वाटर ब्लास्टिंग क्यों कराते हैं? वाटर ब्लास्टिंग इसलिए कराते हैं जिससे क्या है, टायर है, टायर के अंदर वाटर ब्लास्टिंग हो गई। इसमें क्या है, 70% तो पानी, 30% हवा रहनी चाहिए। उससे क्या है, जब इसके अंदर है ना, जब पानी हो गया टायर के अंदर, टायर में वजन हो गया, वजन होने से क्या है, अब जो खाली हवा रहेगी तो जब लोडिंग करेंगे ना, तो किसी चीज़ में जैसे मट्टी में, रोड़ी या डस्ट या कचरे में किसी पे करेंगे, तो जब आगे बैकेट को भरेंगे ना, उसमें जब हवा रहेगी तो हवा से क्या है, स्लिप काटेगा टायर, जब हवा में स्लिप काटेगा ज़्यादा। स्लिप काटने से क्या होएगा, जो इसकी गुट्टी है ना, वो गुट्टी ख़राब हो जाएंगी, बस जल्दी है ना घिसेगा, गर्म होएगा ज़्यादा, गर्म होने से इसकी है ना जो ये गुट्टी है घिसेगा, रोड पर चलेगा या कहीं भी चलेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वाटर ब्लास्टिंग इसलिए कराते हैं जिससे क्या, उससे क्या वजन हो जाएगा, वजन से क्या, जब लोडिंग करेंगे ना वो ज़मीन में, इसका जो ग्रुप है ना टायर का, ये ग्रुप, ये जब लोड हो जाएगा तो वजन हो जाएगा, तो ये क्या ज़मीन में है ना ज़्यादा ताकत लेगा, पावर होएगी, पावर बढ़ेगी, जिससे क्या ये आगे को ताकत लेगा, आगे लोड जब लोडिंग करेंगे, जैसे अपने को लोडिंग कर रहे हैं पर रेत में या रोड या किसी भी चीज़ में डस्ट भर रहे हैं या मिट्टी भर रहे हैं या किसी भूसे में है ना, आगे बैकेट को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, जब बैकेट अंदर जाएगा मिट्टी के बैकेट जाएगा, तो उसमें क्या है, बस ये वाटर प्लास्टिक रहेगी तो टायर है ना स्लिप नहीं काटेगा, स्लिप ना करने टायर नहीं घूमेगा, पावर ज़्यादा, ताकत आगे लेगा, आगे लेने से क्या है बैकेट अच्छा भरेगा, पूरा बैकेट भर के आएगा, लोडिंग अच्छी करेगा, कम समय में काम ज़्यादा, और अपना टायर सेफ्टी रहेगा, टायर जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात ये क्या ना, इसमें ये काउंटर वेट इसके लिए जो आगे लोडर लग रहा है, लोडर के लिए बैलेंस के लिए, आगे इधर फ्रंटल लोडर लग गया उसके बैलेंस के लिए, वजन क्या डालना, इसमें वजन है ना, तो इसमें वजन कम से 1200 kg आएगा इसका जो ऊपर, तो अपने को इतना यहाँ इतना खाली रखना, उसमें अपने को मट्टी छोड़ के, जो बालू है ना उसको छोड़ के, रोड़ी है, रोड़ी में कई तरह की आती है, 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिससे क्या आई लोहे से क्या जल्दी से जंग नहीं पकड़ेगा, तो मिट्टी में जंग जल्दी पकड़ेगा, खराब जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसमें रोड़ी ज़्यादा यूज़ करो, जिससे क्या अपने पैकिंग सही चीज़। और बाकी तो मैंने आपको समझाया कि आप, ये अपना टोल फ्री नंबर है, ये है ना अपना कंपनी का टोल फ्री नंबर है 888-32-888-32। ये क्या है सर्विस के लिए, जैसे आपको है ना, आपने मशीन ली, अब हमसे फुल से जुड़ गए, तो आपको जैसे मेरा नंबर अब तो है, बाई चांस मेरा नंबर नहीं मिल रहा हो, तो उसमें क्या है, सबसे पहले मेरे नंबर मत लगाओ, सबसे पहले इसी को यूज करो टोल फ्री नंबर से, तो ये क्या रजिस्टर नंबर, ये डायरेक्ट कंपनी में जाएगा, आपकी कॉल रजिस्टर हो जाएगी, भाई किस फलाने किस तारीख में कौन से टाइम अपना कॉल बुक कराई। उसके बाद जो हमारा सर्विस हेड है, उसके पास है ना ये कंप्लेंट जाएगी, वो आपके पास है ना फ़ोन करेगा, सर आपको है ना, आपने कॉल बुक कराई, मशीन में क्या दिक्कत है, या कोई आपको पार्ट चाहिए है, या हाइड्रोलिक चाहिए है, या पाइप कोई भी है, मशीन का पार्ट है, पिन कुछ चाहिए है, या कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी है, तो कंप्लेंट आएगी मशीन में, जब भी कॉल बुक कराओगे आप, वो उसको क्या, उसके पास जाएगी, वो आपको कॉल करेगा, आप उनको बताओगे, वो पूछेंगे आपका एरिया कौन सा, कौन से स्टेट में हो या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो। तो जितनी हमारी सर्विस की टीम है ना, जैसे राजस्थान है, मैं अभी राजस्थान के सब अपने सर्विस टेक्नीशियन इंजीनियर फील्ड में हैं, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे, जैसे ये नागौर है, ये क्या नाम है, नौका है, नौका इधर नागौर भी पास में है, इधर भी कनेर भी बीच में डिस्टेंस है, पर इधर भी लड़के इधर भी, अब वो क्या करें, जो जल्दी आ जाएगा आपके पास, जो जल्दी है ना बीकानेर वाला जल्दी आ जाए, तो वो तुम्हारा नंबर देगा, ये नंबर है कस्टमर आपका, इनके मशीन में ये दिक्कत आ रही है, इनको कॉल करो, इनकी मशीन अटेंड करो, मशीन जो भी है पार्ट चाहिए या जो भी है उनके बात करो, फिर हम तुम्हें जो भी सामान चाहिए हम आप बात करके आपको, भाई ये चीज़ है पार्ट चाहिए तो ये चीज़ आ रही है सर, ये टाइम दे देंगे, वाई सर अरे 24 घंटे के मतलब तुरंत अपना शक्त होएगा, ठीक है।
पाकिस्तान में मैंने ड्राइवर से यही चीज ध्यान देना भाई, ये चीज अपने को मशीन लिया है, मशीन में आज के टाइम में रकम की चीज है, उसमें लापरवाही करोगे तो कोई भी चीज है वो अपने शरीर की भी लापरवाही करेंगे तो उसमें भी अपने को भी नुकसान है ना। अपने को नहीं देखभाल शरीर की करेंगे तो क्या होएगा, नुकसान तो है ही। वही साहब ये मशीन का देखभाल जितने करो इतनी सर्विस अच्छी देंगे, बढ़िया मशीन चलेगी, कोई नहीं आएगा फिर कुछ नहीं होएगा।